नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज चैनल। मैं हूं कामनी पंडित। ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में मेडल की उम्मीद माने जा रहे हैं। रेसलर नरसिंह यादव पर डोपिंग के केस में 4 साल का बैन लगा है। इससे उनका पूरा परिवार काफी आहत में है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं बना रहेगा। देखते रहिए एटीवी न्यूज चैनल। शुक्रवार को ब्राजील की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी सीएएस ने यह फैसला सुनाया है। ऐसे में अब नरसिंह रियो ओलंपिक में नहीं खेल सकेंगे। उनको अगर क्लीन चिट मिलती तो वो आज 74 किलोग्राम कैटेगरी में अपना मुकाबला खेलने वाले थे। बता दें कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के खिलाफ सीएएस में अपनी अपील दायर की थी। इस पर सीएएस ने करीब 4 घंटे लंबी बहस चली, जिसके बाद नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगा दिया गया। कोर्ट ने नरसिंह के उस तर्क को भी माने जाने से इनकार कर दिया कि उसके साथ साजिश हुई है, क्योंकि इसको साबित करने के लिए नरसिंह के पास कोई सबूत नहीं था। इसी तर्क को देखते हुए नाडा ने उन्हें ओलंपिक में हिस्सा लेने की इजाज़त दी थी। हालांकि इसके बाद नरसिंह यादव के घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। निर्दोष है, उसके ऊपर बैन बिल्कुल गलत है, और बस ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की सीबीआई इंक्वायरी हो और जो भी इसमें दोषी मिले उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस बैन के बाद पहलवानों में भी खासा रोष है। उन्होंने कहा है कि इस बैन से उनको भी झटका लगा है। नरसिंह कोई ना कोई पदक तो जरूर ले आते। एक देश का पहलवान जो है इसमें हिस्सा ही नहीं ले पा रहा है। जब इतने बड़े पहलवान के साथ ऐसा हो सकता है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। देखते रहिए एटीवी न्यूज़।